मध्यम लक्षणों वाले कोविड रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी काफी प्रभावी साबित हुई है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक प्लाज्मा थेरेपी से लाखों लोगों को लाभ होता रहेगा। मध्य भारत का सबसे बड़ा एवं आधुनिक कैंसर अस्पताल बालको मेडिकल सेंटर है, जो कोविड परीक्षण शुरू करने के लिए राज्य और NABL की अनुमति प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला निजी अस्पताल भी था। डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया है कि बालको अस्पताल में 27 और 28 तारीख को प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी, जो अभी तक जारी है। इसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी स्कूल क्लासेस की जरूरत होती है वहाँ पर अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए क्लासरूम हम लोग यहाँ पर डेवलप करते हैं ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल पाए। उसके साथ साथ हम सोसाइटी के लिए जहाँ जहाँ पर जिस तरीके की जरूरत होती है हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हैं। जैसे इस महीने हमने प्लाज्मा डोनेशन का प्लान किया क्योंकि आज के समय में कोविड के समय में प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा अहमता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए और कोविड के पर्पज़ के लिए प्लाज्मा डोनेशन करें। तो इसीलिए हमने बालको हॉस्पिटल की मदद से ऑल ओवर रायपुर हमने ये मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें से हम लोग ने आज 7 से 8 लोगों को प्लाज्मा डोनेशन करवा चुके हैं और ये हम ट्राई करेंगे ऑल ओवर इंडिया हम ये चीज़ को और प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की जान बच पाए कोविड के। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग जो कोविड होके रिकवर्ड हो गए हैं, 28 डेज हो चुके हैं उनको सिम्टम फ्री हुए और जो अच्छा फील कर रहे हैं वो काइंडली आगे आएँ, और ऐसे कोविड पेशेंट्स जो अभी भी लाइक जूझ रहे हैं अपनी लाइक इस इन्फेक्शन से उनकी मदद करें, प्लाज्मा डोनेशन करें, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन में कहीं कोई किसी प्रकार की हानि नुकसान कमजोरी लॉस ऑफ इम्यूनिटी ये कुछ भी नहीं होता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग लाइक दूसरों की मदद करिए, कोविड पेशेंट्स की मदद करिए और आगे आके प्लाज्मा डोनेशन करिए। बालको मेडिकल सेंटर में हम लोग ये ड्राइव अभी कंटिन्यू रखेंगे जब तक इसका कुछ निवारण नहीं आ जाता है कोविड का, तब तक हम ये कंटिन्यू करेंगे। कोंडागांव में